चिंता घबराहट से घर के बाहर निकलने का डर, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक पेशेंट के बारे में जो करीब करीब एक 25 साल का लड़का और कंप्लेंट ये करने लगा कि मुझे डर लगता है, मेरे सामने केस हिस्ट्री है, डर लगता है घर के बाहर निकलने में, बहुत ही डर लगता है, मतलब घर के बाहर निकल ही नहीं सकता। और पिछले ये कम से कम 4 महीने से ऐसा हो रहा है और उसको बाहर जाने का नाम भी निकाला तो भी उसको लगता है कि नहीं बाहर नहीं जाने का, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा और घर में बैठेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके कारण भी वो बाहर नहीं जा रहा है, और उसको मतलब नाम निकाला तो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, कुछ तो भी कारण निकालेगा और चुपचाप, मतलब कहीं शादी में जाना है, कहीं किसी के यहाँ जाना है बाहर तो बंद। अभी तो लॉकडाउन चालू है तो अभी तो कोई जाने आने का कारण नहीं था, और उसके पहले की बात है ये। और फिर चिंता लगी रहती है, घबराहट है, सोचने लगता है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, अकेले में बहुत ही चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। और उस वक्त कुछ तो भी मुझे हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब अटैक आ जाएगा। तो नहीं अटैक नहीं आता बोले, फिर क्या कुछ तो भी हो जाएगा, मतलब क्या, नहीं वो पता नहीं क्या हो जाएगा मगर कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसा उसको डर लगता है। नींद बराबर नहीं आती, नींद बहुत ही डिस्टर्ब है, रात को 12-1-2 बजे तक नींद नहीं आती, फिर कभी कभी थक थक के, फिर जब आएंगी तब आएंगी नींद, सुबह जल्दी खुल जाती है 6-6:30 बजे, ऐसा लगता है कि नींद हुई नहीं है, और जब उठता है तो इतनी आंखें भारी भारी है, सिर भारी भारी है, और उसको लगता है कि अपना कुछ तो भी बुरा हो जाएगा, उसको उसकी चिंता लगती है कि कुछ ठीक नहीं है, उसको बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। ये सब चिंता होने के कारण खाना कम है, उससे वजन कम हो गया है, फिर पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा उसमें उसका ख्याल नहीं है। उसने फिजिशियन को बताया तो फिजिशियन बोलते हैं हाँ कुछ भी नहीं है, उन्होंने सब टेस्ट किया, ECG किया, ट्रेडमिल टेस्ट किया, फिर बाद में खून टेस्ट पूरी किया, एंडोस्कोपीज किया, सब किया, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। फिजिशियन बोलते हैं कि नहीं आप चिंता मत करो, चलो दवाई ले लो, मगर वो ये नहीं बोलते फिजिशियन के भी साइकेट्रिस्ट के पास में जाओ। अभी वो उसने मेरा वीडियो देखा, हम बोलते हैं ना वीडियो में कि भाई आपको संपर्क करो, नीचे नंबर दिए है, तो आप उसने नंबर दिए के देखे, वो संपर्क किया और मेरे से बातचीत किया। मैंने भाई आपको बहुत ही ज़बरदस्त एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, और उसके लिए आपको दवाई की ज़रूरत है, मैं दवाई दूंगा आपको, दवाई से आपको जल्दी बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा, आप बाहर जा सकोगे, मगर वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो उसके लिए फिर हमको काउंसिलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका असर होगा, प्रभाव होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाहर जा सकेंगे आप। तो बोले मैं तैयार हूँ, तो हमने फिर ऑनलाइन किया। अभी क्या है कि हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन अभी इंडिया से बाहर देश से कहीं से भी लोग मेरे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन 1-to-1 देखते हैं, बातचीत करते हैं, सम्मोहन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सेक्स काउंसलिंग होता है तो ऑनलाइन उसको मैंने काउंसलिंग करना चालू किया, और उसको ऑनलाइन हिप्नोटिज्म के सेशन देने चालू कर दिए, उसको धीरे 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 फायदा होने लगा। हम क्या करते कि हिप्नोटिज्म के सेशन मैं देता हूँ ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर उसको, और ऑडियो कॉल में उसको ऑडियो दे देता हूँ ताकि वो घर पे सुन सके, और बाद में उनको बोलता हूँ कि आप घर में प्रैक्टिस करो, दिन में 3-4 बार उसकी प्रैक्टिस, वो सेशन लेते जाओ और उसके साथ साथ विजुअलाइज करो, आप ठीक हो जाओगे। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने वो इंस्ट्रक्शन का पालन किया, वो काफ़ी फर्क पड़ने लगा। ये देखना पड़ता है हमको इसका मूल कारण क्या है, ये ऐसा हुआ क्यों, और उसको डर कहीं से भी बैठ गया है, और वो डर कहीं से भी बैठ गया तो फिर डर कहाँ बैठ गया है। फिर वो साइकोथेरेपी में वो भी निकला कि वो फादर उसके बहुत ही डोमिनेटिंग थे, इतने डोमिनेटिंग थे कि वो उस दिन लेट आया घर पे, लेट घर पे आ गया तो उसके पिताजी को उस दिन डाउट हो गया कि इसने शायद शराब पी होंगे, ऐसा डाउट लग रहा उसने, हालांकि शराब नहीं पी थी, उनको लगा, उनको एक पूर्वग्रह हो गया था कि ये शराब पीता है, और उसने उन्होंने पहले बोल के बताया था, तो उन्होंने बोला कि तू अभी आएगा ना इसके बाद में लेट तो तेरी तंगड़ी तोड़ डालूंगा, तंगड़ी तोड़ूंगा। उसको इतना डर बैठ गया कि सच्ची मेरे को तंगड़ी तोड़ेंगे, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, डोमिनेटिंग है और बहुत ही अग्रेसिव है, साला सच्ची मेरे को ये तंगड़ी तोड़ेंगे, उसको ऐसा डर लग गया, और वहाँ से उसका ये प्रॉब्लम चालू हो गया कि घर के बाहर ही निकलने का नहीं। तो उसको इलाज किया और वो काफ़ी अच्छा फर्क पड़ते जा रहा है, फ़ायदा हो रहा है। आपको अच्छा लगा जरूर वीडियो शेयर करो, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो लोग अपना प्रॉब्लम ठीक करके प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को लोग आके लेके जाएंगे। हमारा ऐप है तो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं,
और वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर अलग अलग कोर्सेज है वो भी आप खरीद सकते हैं, और आप नीचे जो नंबर दिए वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ और लोगों को ऑनलाइन सलाह देके, उनको मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन लोग खरीदते हैं, और ऑनलाइन हिप्नोथेरेपी करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।